जिस तरह से बेंगलोर में तेजस्वी सूर्या ने एक सेंटर में जाके आतंक मचाया और मुस्लिम युवकों को 17 मुस्लिम युवकों का को जो वहां पर कॉल सेंटर में काम कर रहे थे उनको आतंकवादी तक कहा और 17 के 17 इन युवकों को उस कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया जिस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या किसी मुस्लिम संगठन ने इसकी आवाज उठाई? क्या किसी मुस्लिम लीडर ने इस पूरे मामले को लेकर कोई आवाज उठाई या आम जनों ने, आम मुसलमानों ने इसको लेकर कोई आवाज उठाई? हरगिज नहीं। इस तरह की आवाज ना तो किसी मुस्लिम तंजीम के जरिए, ना ही किसी मुस्लिम रहनुमा के जरिए, सियासी लीडर के जरिए या आम लोगों के जरिए कोई आवाज इन नौजवानों के फेवर में या इनकी मदद करने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई, जिससे ये जाहिर होता है कि ये कौम पूरी तरह से मुर्दा हो चुकी है। और उसके अलावा अगर हम इस तरह की चीजों पर आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम इस तरह की चीजों पर भी नहीं जागेंगे, हमारा जमीर नहीं जागेगा, तो जाहिर सी बात है इस कौम को इस तरह की और केसेस के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजों को लेकर आवाज नहीं उठाते, इस तरह की चीजों को लेकर आप खड़े नहीं होते, तो जाहिर सी बात है जो साजिश करता है, जिनसे जिन्होंने आपको रुसवा और जलील करने की कसम खा रखी है, कोई मौका वो गंवाना नहीं चाहते। वो ऐसे मौकों पर हर बार आपको जलील करेंगे, हर बार आपको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के केसेस पर आवाज उठानी होगी, और न सिर्फ आवाज उठानी होगी बल्कि उन लोगों के साथ खड़ा होना होगा जिनके साथ इस तरह की घटना घटी है। जाहिर सी बात है, एक अगर हम देश की अगर हम बात करते हैं, भारत में अगर यही पूरा मामला दूसरे समुदाय के साथ, खास तौर से अगर सिखों की हम बात करते हैं, उनके साथ होता तो किस तरह से हंगामा मचाया जाता, किस तरह से उनके पॉलिटिकल लीडर सड़कों पर आ जाते, किस तरह से एमपी एमएलए सड़कों पर आ जाते, कौम सड़कों पर आ जाती, और यहाँ से लेकर कनाडा तक किस तरह से उनकी मदद की जाती फाइनेंशियली, ताकि उनके अंदर एक हिम्मत और एक हौसला उन नौजवानों के अंदर पैदा होता। देखिए इस पूरे मामले में क्या हुआ था, और वो वीडियो भी देखिए तेजस्वी ने किस तरह से अस्पताल में जाकर के जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था, किस तरह से जलील किया गया था इन युवकों को, और एक पॉलिटिकल मुद्दा इस पूरे मामले को बनाने की कोशिश की गई, और उसके बाद ये मुद्दा बन भी गया, जिसके बाद बीजेपी की आईटी सेल ने ये वीडियो शेयर करना शुरू किया और ये कहा कि किस तरह से इन मुस्लिम युवकों ने अस्पताल के बेड को ऑक्यूपाइड कर रखा है, ताकि सरकार को, कर्नाटक सरकार को बदनाम किया जा सके। ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಎಚ್ಬಿಎಂಎಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, 17 ಜನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ, 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ. ಇವರನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. 17 ಜನ: ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ, ತಾಯಿರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಸಾದಿಕ್ ಬಾಷಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಯದ್, ಅಲ್ಸಾಯ್ ಸಯೀರ್, ಉಮೇರ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಹುರೀಫ್, ಜಮೀರ್ ಪಾಷಾ, ಜಬಿ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಸೈಯದ್ ಹಸ್ನೈನ್, ಸೈಯದ್ ಹಸ್ ಶಾಹಿದ್, ಶಹೀದ್ ಶಬಾಸ್, ಎಂ ಡಿ ಯೂನಸ್, ಸೈಯದ್ ಮೊಯಿನ್ ಶಾ, ಸೈಯದ್ ಮುಯೇಶ್ ಶಾ, ಅಲ್ಸಾಯಿನ್. ಮದ್ರಸಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೀವು ಜನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಉಗಿತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಅವ್ಯವಹಾರ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ನೀವಿರ್ಬೇಕು ಬಿಡಿಎಸ್. ಇದು ನೀವು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಟ್ರಯಾಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಮೇಡಮ್. ಬಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಎಎಂಎಸ್ ಉನಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಅವ್ರು ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ? ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಟ್ ಗಳನ್ನ, ಇವ್ರ ಬೆಡ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ? ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು. राजधानी बेंगलोर में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में विधानसभा के 3 सदस्यों ने कोरोना से प्रभावित रोगियों की मदद के लिए स्थापित दक्षिण क्षेत्र युद्ध कक्ष में उत्पात मचाया. तेजस्वी ने 17 मुस्लिम युवकों के नामों की एक सूची पढ़ी और प्रभारी से चिल्ला चिल्ला कर पूछा कि तुम कॉरपोरेशन के लिए भर्ती कर रहे हो या मदरसे के लिए. विधानसभा के सदस्यों में से एक ने कहा कि वे मुस्लिम युवा आतंकवादी हैं. तेजस्वी ने बेहद उत्तेजक तरीके से 17 मुस्लिम युवकों पर अस्पताल के बेड को अवरुद्ध करने के रैकेट चलाने का आरोप लगाया. युद्ध कक्ष के प्रभारी ने कहा है कि 17 में से केवल एक युवक की अस्पताल के बिस्तर ब्लॉक करने तक पहुंच थी. इस पूरे मामले में जब जो पीड़ित हैं जितने भी लोग थे उसके बाद सबको वहाँ से निकाल दिया गया, सबको बर्खास्त कर दिया गया, सबको सस्पेंड कर दिया गया. उनमें से एक बच्चा जमीर पाशा, उसने कहा कि मैंने वाणिज्य में स्नातक किया, मैं 22 साल का हूँ, अब मुझे कोई स्थायी नौकरी नहीं मिली तो मैंने 25 अप्रैल को कोरोना के मरीजों की मदद के लिए 13,500 रुपये महापर इस कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया. मुझे इस बहाने कुछ परेशान मरीजों की सेवा करने में खुशी हुई. कंपनी ने तेजस्वी के उत्तेजक उकसावे के बाद 17 के 17 मुस्लिम युवकों को निकाल दिया. पुलिस ने उन्हें थाने में बुलाया, 2 दिन तक पूछताछ की. उन्हें अपने फोन और व्हाट्सएप पर सैकड़ों धमकियां मिल रही हैं. बेंगलोर के शिक्षित लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं, उन्हें आतंकवादी और हत्यारा कहा जा रहा है. अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये घटना मान लिया जाए, ये घटना मुसलमानों के साथ हुई है, अगर ये घटना 17 सिख नौजवानों के साथ होती तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दिल्ली से लेकर कनाडा तक सभी प्रमुख सिख नेता और सभी सिख संगठन इन युवाओं के साथ खड़े होते और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर पार्टी में शामिल संसद और विधानसभा के सदस्य तेजस्वी के खिलाफ एकजुट हो जाते, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते और इन युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका हौसला बढ़ाते, तेजस्वी के खिलाफ FIR दर्ज कराते. लेकिन देश के किसी भी कोने में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी आवाज नहीं निकलती. कुछ तो बोलना चाहिए, अगर कुछ नहीं तो ये तो कहना ही होगा कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है. यदि आपके पास इतना कहने की भी हिम्मत नहीं है और गलत होने के लिए तैयार रहें, यदि आपके पास इतना कहने की भी हिम्मत नहीं है तो और भी गलत होने के लिए तैयार रहें. जाहिर सी बात है, इस मामले में जिस तरह से मुस्लिम लोगों को, मुसलमानों को आगे आना चाहिए था, मुस्लिम तंजीमों को आगे आना चाहिए था, मुस्लिम लीडर्स को आना चाहिए था, सियासतदान को आगे आना चाहिए था, विपक्ष को इस पूरे मामले पर आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा है, कोई नहीं बोल रहा. जाहिर सी बात है, इस तरह की चीज़ अगर दूसरे समुदाय के साथ, सिखों के साथ होती तो जिस तरह से हंगामा होता और शायद उनको वापस लेना पड़ता, उनकी मदद की जाती. लेकिन इस पूरे मामले पर मुस्लिम तबके की खामोशी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और ये सवाल के साथ साथ ये डर भी पैदा होता है कि आगे भी इस तरह की चीज़ें होने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये कौम मुर्दा हो गई है, आवाज़ उठाने को तैयार नहीं. सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं. लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें.